मित्रों आप जो अभी हमने सेल टॉपिक किया है इसके दूसरे पार्ट को जरूर देखें, और जो भी आपकी क्वेरी है चाहे वो क्वेश्चन से संबंधित हो या कोचिंग से संबंधित हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, हालांकि आजकल क्वेश्चन उससे कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी एक बेसिक के रूप में देख लेते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि ये जो सारा टॉपिक है बायोलॉजी का, ये सारा टॉपिक हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं कि जीव, तो पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जीव किसे कहते हैं, जीव क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझिए कि जीव क्या कहलाता है। जीव की एनसीईआरटी में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये है कि जीव वे सभी ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो कि उपापचय की क्रिया करते हैं, उपापचय की क्रिया करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया करते हैं। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, इसमें जो पहला शब्द है वो है उपचय और जो दूसरा शब्द है वो है अपचय। इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम लोग उपापचय कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, उपचय क्या कहलाता है और अपचय क्या है, ये दो शब्द हमें थोड़ा सा आगे की ओर और समझने हैं। तो उपचय का मतलब होता है कि सरल तत्वों को लेकर, जितने भी प्रकृति के अंदर कोई भी सरल तत्व हैं, इन सरल तत्वों को ले लें और हम इसको चेंज कर दें जटिल तत्व में, यानी मान लीजिए कि आपको हाइड्रोजन दे दी जाए और ऑक्सीजन दे दी जाए, दोनों को आप मिला के H2O यानी जल का निर्माण कर रहे हैं, यानी सरल तत्व से आपने जटिल तत्व का निर्माण कर दिया। तो ये तो हमने आपको साधारण उदाहरण दिया। बायोलॉजी में जो उदाहरण आता है वो आता है कि मान लीजिए वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों ने ग्रहण किया और इसी के साथ जड़ों के द्वारा पौधों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल को प्राप्त किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी जल, सॉरी ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया आपका जल, इन दोनों को लेकर सूर्य सनरेज यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जल है ये चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज में, जिसको हम लोग कहते हैं C6H12O6 कहते हैं, ये हो गया आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पौधे जो हैं इन्होंने दो सरल तत्वों को लिया और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको इन्होंने ग्लूकोज में चेंज कर दिया और यही ग्लूकोज है जटिल तत्व, यानी सरल तत्वों को लेकर जटिल तत्वों का निर्माण करना ही उपचय कहलाता है। जो इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है यानी इस तरह की प्रक्रिया को कौन करते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को जितने भी पौधे या प्लांट होते हैं वो सभी उपचय की क्रिया को करते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे अपचय किसे कहते हैं, तो हमारे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए अपचय क्या कहलाता है, अपचय का मतलब है कि यदि कोई जीव है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो यदि जटिल तत्व लेता है और जटिल तत्व को वो तोड़ देता है सरल तत्वों में, तो इसको कहते हैं हम लोग अपचय। जैसे उदाहरण लें मानव, तो मानव अपचय की क्रिया करता है, जैसे मान लीजिए मानव ने चावल खाया, चावल के अंदर ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज मानव ग्रहण करता है और मानव के शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र की क्रिया होती है उस पाचन तंत्र की क्रिया के द्वारा इस ग्लूकोज को वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में तोड़ दिया जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है, यानी जटिल तत्व को सरल तत्व में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया की जाती है जंतुओं के द्वारा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीव वो कहलाते हैं जो अपचय की क्रिया करते हैं, तो इसमें अपचय शामिल है और उपचय शामिल है। उपचय का मतलब होता है सरल तत्वों को मिलाकर जटिल तत्व बना देना, इस क्रिया को पौधे करते हैं, और अपचय का मतलब है जटिल तत्वों को सरल तत्वों में तोड़ देना, इस क्रिया को जंतु करते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा कुछ बेसिक था
जिसमें आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये उपचय अपचय ये वर्ड या ये जो शब्द हैं आपके बार बार घूमेंगे आपके बायोलॉजी को पढ़ते समय। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि जीव विज्ञान का फादर किसे कहते हैं, जीव विज्ञान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, लेकिन आज से 3-4 साल पहले इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत अभी जैसे आपने उपचय और अपचय देखा, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि उपचय की क्रिया में हम लोग किसको उदाहरण रखते हैं, पौधों को रखते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले तो ये कि हम लोग जंतुओं यानी जीवित वस्तुओं का या जीवित ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जिस जीव विज्ञान की शाखा में पौधों का अध्ययन करते हैं या प्लांट की स्टडी की जाती है उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। और जीव विज्ञान की जिस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो ये आपके जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में किसने बताया, तो हमारे जो यूनानी एक वैज्ञानिक थे या जिनको आप हर जगह पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट वाला सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, और चाहे आपके साइंस वाले सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायोलॉजी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु ने सबसे पहले 1500 जो आपका पौधे थे उनकी अध्ययन करके बताया, तो अध्ययन करके बताया तो आपका, और उन्होंने एक बुक लिखी, हाँ ठीक है। तो जीव विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है, और जो आपका जंतु विज्ञान है उसका पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, और जो बॉटनी है उसका पिता थियोफ्रोस्टस को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसके जो पिता हैं वो कौन है, थियोफ्रोस्टस, थियोफ्रोस्टस, और जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं आपका अरस्तु या एरिस्टोटल, अरस्तु या एरिस्टोटल। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक था, तो ये आपको जानना जरूरी था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप देखेंगे कि यदि हम लोग किसी भी जीव को देखते हैं तो उस जीव में आप देखते हैं कि उसकी एक पूरी बॉडी होती है। बॉडी यानी उसका पूरा क्या होता है, शरीर होता है। यदि आप शरीर को तोड़ेंगे तो शरीर में आप देखेंगे बहुत सारे अंग होते हैं, यानी अंगों का समूह। जैसे आप मानव ले लें तो मानव की बॉडी है, उस मानव की बॉडी में आपका हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, तो ये सभी अंग हैं। इन सभी अंगों को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा, ठीक है। अब इस अंग को यदि आप एक अंग को तोड़ते हैं तो वो बन जाता है ऊतक, यानी ऊतकों के एक समूह से अंग का निर्माण होता है और अंगों के समूह से शरीर का निर्माण होता है। अभी इस ऊतक को जब आप तोड़ेंगे यानी टिश्यू, इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू, और जब आप टिश्यू को तोड़ेंगे तो आपका मिलता है कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जीव, ये क्या हो गया आपका जीव। जीव का जो निर्माण होता है उसमें अंग शामिल होते हैं, अंग बने होते हैं ऊतक से, और ऊतक बना होता है कोशिका से। यानी इस जीव की आप सबसे छोटी इकाई देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई कौन है, ये सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो ये सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल कहलाती है या कोशिका कहलाती है, और इसी कोशिका के कलेक्शन को हम लोग ऊतक कहते हैं, ऊतक के कलेक्शन को अंग कहते हैं, और अंगों के कलेक्शन को शरीर कहते हैं। तो हम लोग आप कोशिका को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपका कोशिका का एक थोड़ा सा क्या है, चित्र है, इसको थोड़ा आप एक मिनट के लिए देखिए, फिर इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलो अब हम लोग देखिए सेल, कोशिका के बारे में
थोड़ा सा इतिहास देखेंगे इसका, कोशिका या सेल, कोशिका या सेल। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका आपने बताया कोई भी जीव होता है, तो जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो कोशिका थी, कोशिका की जो खोज की थी सबसे पहले वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, 1665 के आसपास की थी, और उन्होंने सबसे पहले एक मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक लिवेनहॉक, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है लिवेनहॉक, लिवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, और उन्होंने सबसे पहले जिस जीवित ऑर्गेनिज्म को देखा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था, वो था बैक्टीरिया। तो आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल या कोशिका की खोज किसने की, तो वो आंसर होगा उसका रॉबर्ट हुक। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो उसका आंसर है लिवेनहॉक, और लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। ये जो कोशिका सिद्धांत है जिसे हम लोग सेल थ्योरी भी कहते हैं, इस सेल थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने दिया था, इसकी जो दिया था जो फाउंडर थे वो थे आपके स्वान और श्लाइडेन, स्वान और श्लाइडेन नामक दो वैज्ञानिक थे। तो कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं, स्वान तथा श्लाइडेन नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि कोई भी जो जीव होता है, प्रत्येक जीव के शरीर का जो निर्माण होता है वो सेल के समूह से बना होता है, यानी जीव की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होगी वो सेल होगी। दूसरा इन्होंने बताया कि जो शरीर की कार्यात्मक इकाई होती है वो भी सेल या कोशिका ही होती है। तीसरे वैज्ञानिक आते हैं इसमें, थोड़ा सा वो इसमें संशोधन करते हैं, आगे की बात बताते हैं, जिनका नाम है विर्चो, विर्चो नामक जो वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि जो शरीर होता है, शरीर का जो निर्माण होता है वो सेल से तो होता है, और सेल बीच बीच में क्या होती है, मरती रहती हैं, और उनकी जगह नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो मृत सेल से ही नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, यानी सेल, ये मान लीजिए आपका सेल हो गया, सेल का वापस क्या होगा, विभाजन होगा, तो मान लीजिए दो नई सेल बनी, इस जब ये सेल मरने लगेंगी इसके पहले ये सेल भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद ये सेल डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जो मानव होगा या जो जंतु होगा उसके शरीर में जो पुरानी सेल होती हैं उन्हीं सेल, उन्हीं से नई सेल का विकास होता है, ये फिर जो बताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत, और कोशिका सिद्धांत स्वान तथा श्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप बिरजो भूल भी सकते हैं, आज तक बिरजो को पूछा तो वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी जो आगे ट्रेंड बन रहा है क्वेश्चन को फंसाने का वो आपसे बन सकता है। तो कोशिका सिद्धांत स्वान तथा श्लाइडेन के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि जो सेल थी इसकी खोज किसने की, तो खोज की रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। दूसरा जो जीवित सेल की खोज की थी, जीवित सेल की जो खोज की थी वो किसने की थी, लिवेनहॉक ने। तीसरा आपका आता है कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, इसमें दो इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं, स्वान तथा श्लाइडेन, और एक आप नाम याद रख सकते हैं बिरजो का। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो सेल होती है, सेल का जो हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, जो हृदय के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम लोग कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह से विज्ञान के अंतर्गत सेल का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान कहलाता है। इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो इस आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कोशिकांग यानी जो सेल है, सेल के कितने अंग हैं। हम लोग देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसका नाम है कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या हो गया, इसका यदि आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें देखेंगे कोशिका के अंग। एक सेल होती है, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं यानी उसके अंग होते हैं, इन्हीं सभी अंगों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कोशिकांग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये सेल देखिए, इसमें थोड़ा सा ये सेल का डायग्राम बना हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि सेल के अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए ये आपकी सेल है, सेल की जो सबसे ऊपर वाली परत है जो आपको आयताकार दिख रही होगी, इस आयताकार का नाम हम लोग देते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल हो गई, इसके अंदर यदि आप जाएंगे तो एक गोलाकृति दिखाई दे रही है और ये गोलाकृति दोहरी लेयर यानी इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस दोहरी झिल्ली को हम लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली नाम देते हैं। इसके बीच में आप यदि देखेंगे तो फिर से एक आपको केंद्र के रूप में दिखाई दे रहा हो गया आकृति, इस केंद्र को हम लोग केंद्र कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली और केंद्र को आपस में जोड़ने वाला जो भाग है उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और तीसरा आप देखिए जो अगला है यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइसोसोम है, इसी तरह से माइटोकांड्रिया है और लास्ट जो है वो है आपका गॉल्गी बॉडी। ये महत्वपूर्ण सेल के ऑर्गेन हैं या सेल के अंग हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपसे सीधा क्वेश्चन वो दे देगा निम्नलिखित कथनों, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का ऑर्गेन नहीं है या अंग नहीं है, इसमें से कोई अदर नाम होगा तो उसको आपको टिक कर देना है। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसमें किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति या शेल वॉल, ठीक है, आप देखिए कोशिका भित्ति। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि सेल की जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसी सबसे सेल के बाहरी आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति का जो यूज होता है वो ये होता है कि किसी भी सेल की आकृति को निश्चित बनाए रखना और सेल को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना, इसके दो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो आपको याद रखना है इसके कार्य क्या है। इसका पहला जो कार्य है वो है सेल को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा इसका कार्य है आपका सेल का आकार निर्धारित करना। ये आपका कोशिका भित्ति के दो कार्य हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति है वो पादप में पाई जाती है, जंतुओं में इसका अभाव होता है। पादप में इसलिए पाई जाती है क्योंकि पादप अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा नहीं सकते हैं, लेकिन जितने भी जंतु होते हैं यानी मानव हो चाहे आपको कोई भी जानवर, वो मूव कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की आपदा आती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, गुफा में जा सकते हैं, घर में जा सकते हैं, तो उनके शरीर की सुरक्षा हो जाती है। लेकिन पौधे तो स्थान चलायमान होते नहीं हैं यानी चलते नहीं हैं, इसलिए कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति पाई जाती है वो आपका केवल पौधों में पाई जाती है यानी पादप में पाई जाती है, जंतुओं में इसका अभाव होता है। तो अगला क्वेश्चन यही बनता है आपका, जंतुओं में नहीं, तो सेल वॉल आपकी जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये जो पाई जाती है ये केवल किस में पाई जाती, पौधों में उपस्थित होती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है आपका सेलुलोज से, सेलुलोज। और सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है यानी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। तो पौधों की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। इसी प्रकार से जो कवक होता है, कवक यानी फंगी, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड या रोटी में व्हाइट कलर की जो फफूंद लग जाती है उसी को हम लोग कवक कहते हैं। कवक की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन से, काइटिन से निर्माण होता है कवक की सेल वॉल का।
इसी तरह से आप देखेंगे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लैंड से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सेल वॉल जो है उसका इंपॉर्टेंट काम है सेल की सुरक्षा प्रदान करना, सेल का आकार निर्धारित करना, जंतुओं में सेल वॉल की अनुपस्थिति पाई जाती है, पौधों में सेल वॉल उपस्थित होती है, कवक में उपस्थित होती है, बैक्टीरिया में उपस्थित होती है। तो पौधे की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, कवक की काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लैंड से बनी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं। तो ये चीज सबसे बाहर वाली परत हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके अंतर्गत हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। दूसरा जो सेल का अंग है वो है आपका कोशिका झिल्ली, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है, तो पादप में हमने आपको बताया कि सेल वॉल उपस्थित होती है, जंतुओं में इसका अभाव होता है, लेकिन जो जंतु की सेल होती है, जंतु की सेल यहीं से स्टार्ट होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें सेल वॉल तो उपस्थित होती है। तो आपने कभी बर्गर खाया होगा, तो बर्गर में जैसे आपने देखा होगा ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है, और बीच में टमाटर प्याज और भी वेजिटेबल या मक्खन वगैरह होता है। तो उसी तरीके से आपकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, यानी इसकी दोहरी लेयर होती है, इसकी जो ऊपर वाली परत होती है वो मुख्यतः फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, और बीच में इसमें प्रोटीन की लेयर होती है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए इस तरह से है, ये आपकी दोहरी लेयर हो गई, ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड, और ये बीच में संरचना हो जाएगी प्रोटीन, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होता है, ये दोहरी झिल्ली वाली होती है। अब इसमें होता क्या है, ये सेमी प्रीएम्बल होती है, यानी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यानी कुछ ही वस्तुओं को या कुछ ही पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करने के लिए अनुमति देती है। यानी मान लीजिए कोई हानिकारक पदार्थ आया जो सेल के अंदर जाना चाहता है, तो ये हानिकारक पदार्थ को जाने से रोक देगी, उसको नहीं जाने देगी, लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन आया या जल आया तो उसको इस सेल के अंदर जाने देगी। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब ये हुआ, कुछ वस्तुओं को या कुछ जो तत्व हैं उनको सेल के अंदर जाने की अनुमति देगी, और कुछ तत्वों को सेल के अंदर जाने से ये रोक लेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं इसलिए अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये झिल्ली कैसी होती है, दोहरी होती है, डबल लेयर होती है, और इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, फॉस्फोलिपिड से होता है और प्रोटीन से होता है। ये झिल्ली कैसी है, अर्ध पारगम्य है, अर्ध पारगम्य है, सेमी परमिएबल है। तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये सभी में उपस्थित होती है, यानी पादप और जंतु सभी में उपस्थित होती है, सभी में उपस्थित होती है, ये आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ से आपका CAPF UPSC एग्जाम देती है, वो इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है आपका कि जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका झिल्ली होती है, उसका निर्माण किससे होता है, तो ये उसका आंसर था फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होता है। ठीक है, ये आपकी जो अंदर की लेयर है, ये वाली लेयर भी आपकी, मतलब हम लोग इसको देख चुके हैं, वहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे सेल वॉल के बारे में। तीसरा जो सेल का इंपॉर्टेंट अंग है उसका नाम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग कहते हैं अंतःद्रवी जाली, अंतःद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहां पर देख रहे हैं डायग्राम में, थोड़ा देखिए, ये केंद्रक है और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी।
तो केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन को बीच में जोड़ने वाला भाग है जो इसको जोड़ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो काम है उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कितने प्रकार का होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो प्रकार हो जाएगा इसका उसको हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ यानी खुरदरा, जिसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को कहते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार हो गए। अब देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वास्तव में होता क्या है, ये मान लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इस तरह से ये संरचना बनी हुई है ये आपके इधर। तो यहाँ पर क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक के वे भाग जहाँ पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है, राइबोसोम की जहाँ पर उपस्थिति होती है उस सतह या वो सतह खुरदरी हो जाती है यानी उबड़ खाबड़ हो जाती है, इसलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस स्थान पर ये राइबोसोम अनुपस्थित होंगे उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होंगे, और जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होंगे उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें ये क्या है, यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित हो गए और यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित, जहां पर राइबोसोम होते हैं उसको रफ कहते हैं और जहां पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ कहते हैं। अब देखिए आपको आगे जब कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर कैसे होता है, तो उसमें आपको मालूम चलेगा जहां पर राइबोसोम होते हैं वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या निर्माण होता है, यानी जहां पर राइबोसोम होंगे वहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा और जहां पर राइबोसोम नहीं होंगे वहां पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो इस वाले भाग में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले भाग में प्रोटीन का निर्माण होगा और इस वाले भाग में वसा या फैट का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण होगा, और यहाँ पर वसा का संश्लेषण होगा। ये चीज आपको इतना ध्यान रखनी है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि राइबोसोम के कारण क्या हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। यदि उस क्वेश्चन में और ऑप्शन में राइबोसोम ना दिया हो तो आंसर क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण ही इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राइबोसोम उपस्थित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो तीसरा सेल का ऑर्गन था या अंग था उसको हम लोगों ने फिनिश किया। पहला सेल वॉल पढ़ चुके हैं, दूसरा सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना क्योंकि इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होता है, उसका काम है वसा या फैट का संश्लेषण करना। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे ऑर्गेन या अंग की। तो चौथा ऑर्गन हम लोग यहाँ पर लेते चलते हैं माइटोकांड्रिया। ये देखिए माइटोकांड्रिया जो है ये भी सेल का एक महत्वपूर्ण भाग है, और आप जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे आरबीसी के साथ जुड़ के हमारे सेल तक पहुँचती है, और सेल में पहुँचती है ये माइटोकांड्रिया के अंदर, और इसी माइटोकांड्रिया के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है वो भी इसी माइटोकांड्रिया के अंदर पहुंचता है, यानी इसमें क्या पहुंचता है, ग्लूकोज C6H12O6 पहुंचता है, यानी हम लोगों ने जो ग्लूकोज लिया है, और इसी के साथ साथ सांस के द्वारा हम लोगों ने क्या लिया है, ऑक्सीजन ली है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है
तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जल निकालते हैं और साथ में हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं हम लोग एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं। एटीपी का मतलब एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम। जब भी हमारे अंदर जो स्वांगीकरण होता है यानी जो पाचन होता है, तो उस पाचन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है और साथ में ऊर्जा मिलती है। और इस ये जो ऊर्जा मिलती है ये एटीपी के रूप में मिलती है। और इस एटीपी का जो पूरा नाम है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट है। तो हमारे शरीर को जो भी या सेल को जो भी ऊर्जा मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, माइटोकांड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकांड्रिया का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है, कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह। यही कारण है कि माइटोकांड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका ये माइटोकांड्रिया होगा, तो माइटोकांड्रिया की आप अंदर देखेंगे तो इस तरह से इसकी दोहरी लेयर होगी, यानी इसमें भी कितनी लेयर होगी, दो लेयर होगी। और माइटोकांड्रिया ही एकमात्र वह सेल का अंग है, केंद्रक के अलावा एकमात्र वही अंग है जहाँ पर डीएनए की उपस्थिति होती है। यानी डीएनए मात्र केंद्रक में पाया जाता है और माइटोकांड्रिया में 90% डीएनए आपका ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है और 10% डीएनए जो है माइटोकांड्रिया के अंदर पाया जाता है। तो कभी भी आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसमें ऑप्शन दिया हो केंद्रक और माइटोकांड्रिया और तीसरा ऑप्शन दिया हो बोथ, तो आपको बोथ लगाना है, यानी दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए की उपस्थिति होती है और इसकी जो लेयर होती है, लेयर यानी परत जो होती है वो आपकी दोहरी होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। और माइटोकांड्रिया के अंदर अपना ऑक्सीशोषण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में मिलती है। इसी को हम लोग एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। यही कारण है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ये आपके चार इंपॉर्टेंट कोशिकांग हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पांचवें की ओर बढ़ेंगे आगे। पांचवा जो आगे है वो है लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है, तो आपने देखा होगा जैसे वीआईपी जो व्यक्ति होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो बॉडी है, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे छोटा जो भाग है वो सेल है। तो हो सकता है कि बैक्टीरिया और वायरस या किसी प्रकार का और हानिकारक तत्व हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाए और वो सेल को मार दे, यानी मारने की क्षमता रखता हो, तो हमारी सेल नष्ट हो जाएगी। सेल नष्ट हो जाएगी तो ऊतक नष्ट हो जाएगा, ऊतक नष्ट होगा तो ऑर्गेन नष्ट हो जाएगा और ऑर्गेन नष्ट होंगे तो बॉडी यानी जीव की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी हानिकारक तत्व जो कि सेल को मारने की क्षमता रखता है वो यदि सेल के अंदर पहुंचता है तो सेल का एक कोई ऐसा अंग हो जो उसकी प्रोटेक्शन करे, जो उसकी सुरक्षा करे, तो वही सुरक्षा करने वाला भाग आपका लाइसोसोम कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर एक पदार्थ होता है और इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी ये ऐसे है जैसे आपने देखा होगा कि जो घर के अंदर जो बैटरी रखी होती है, इन्वर्टर बैटरी होती है, उसके अंदर भी HCl डालते हैं हम लोग, लेकिन बहुत डाइल्यूट मात्रा में, यानी जल की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और HCl की मात्रा कम होती है। तो ये उसी तरीके से होता है। और जैसे ही सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस पहुंचता है, वैसे ही लाइसोसोम के द्वारा HCl को स्राव किया जाता है, यानी सीक्रेट किया जाता है और वो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती है। इसलिए सेल की सुरक्षा बैक्टीरिया और वायरस से हो जाती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि बॉडीगार्ड अपने मालिक को खुद ही मार देता है, उसी तरीके से कभी कभी लाइसोसोम की जो थैली होती है, यानी जो लाइसोसोम है, वो खुद फट जाता है और सारा HCl बाहर निकल आता है और सेल के जितने भी ऑर्गेन हैं वो इस HCl के द्वारा समाप्त हो जाते हैं, जिससे सेल की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम का जो दूसरा नाम है वो है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। यानी इसका दूसरा, इसका जो कार्य हो गया वो तो हम लोग जानते हैं, अभी बताया जैसे आपको सेल की बैक्टीरिया वायरस से रक्षा करना, और इसका जो उपनाम है या दूसरा जो नाम है या जो अदर नेम है
वो कहते हैं हम लोग सुसाइड बैक ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली है, कोशिका की आत्महत्या की थैली है। इतनी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये अपना चौथा जो सेल का ऑर्गन था वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें गॉल्गी बॉडी। अब देखिए अपनी जो सेल है, अभी आपने देखा कि जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का निर्माण फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से हो रहा है, और प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। तो मान लीजिए प्रोटीन का निर्माण यहाँ हो रहा है, अब इस प्रोटीन को हमें कहाँ तक ले जाना है? इस सेल मेम्ब्रेन तक ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए ताकि प्रोटीन यहाँ से यहाँ पहुँच सके। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो निभाता है गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर जो जरूरी पदार्थ होते हैं उनकी छोटे छोटे पॉकेट बनाता है, उन छोटे छोटे पॉकेट को उन्हें उनके पर्याप्त स्थान तक पहुँचाने का काम करता है। इसलिए ये क्या करता है, एक प्रकार से हमारी सेल के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए गॉल्गी बॉडी को हम लोग कहते हैं सेल का यातायात प्रबंधक। इसका जो दूसरा नाम है उपनाम वो है कोशिका का यातायात प्रबंधक। इसमें क्वेश्चन आपका यही बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विभिन्न सेल के ऑर्गेन के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो पहुंचाने का काम कौन करता है, वो गॉल्गी बॉडी करती है। यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं, गॉल्गी बॉडी को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपकी चीज। अब इसके बाद हम लोग अगला जो देखेंगे वो केंद्रक देखेंगे सेल के ऑर्गेन के अंदर। केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए केंद्रक या न्यूक्लियस जो है इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी दो परतें हैं, यानी इसमें भी कितनी लेयर होती है, दो लेयर होती है। और इसका भी निर्माण सेल मेम्ब्रेन की तरह फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, धागे नुमा संरचना होती है। इस तरह से इसमें एक धागे नुमा संरचना होती है। ये जो धागे नुमा संरचना इसके अंतर्गत होती है उसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिक मटेरियल। इसके अंदर धागे नुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिक मटेरियल या पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक और चीज उपस्थित होती है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए और आरएनए। इसी के साथ साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब भी ये क्रोमेटिक मटेरियल जो धागे नुमा संरचना है वो इकट्ठा हो जाएगा और बंडल के रूप में उपस्थित हो जाएगा। मान लीजिए पहले धागे नुमा संरचना इस तरह से उपस्थित थी, अभी इसके बाद क्या हो गई, बंडल नुमा इसने संरचना बनाई कुछ इस तरह से। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। तो ये हो गया आपका क्रोमेटिक पदार्थ प्लस इसमें हो जाएगा आपका डीएनए और इसी में हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। ये जब तीनों मिल जाएंगे तो ये गुणसूत्र यानी बंडल नुमा संरचना बना लेंगे और इसको कहते हैं हम लोग गुणसूत्र। यानी गुणसूत्र की उपस्थिति भी कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भाग है। इसके बाद जो केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब वो डीएनए को पढ़ते हैं तो एक बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको सारा ही गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे गुणसूत्र डिवाइड होते हैं, फिर कैसे जनन क्षमता पैदा होती है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है कैरी करते हैं, जीन वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा जब डीएनए पढ़ेंगे उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपका केंद्रक हो गया। तो ये कोशिका का इंपॉर्टेंट अंग थे। एक और अंग बचता है जिसको हम लोग कहते हैं जो आपका प्लांट में पाए जाते हैं जिसको नाम देते हैं हम लोग प्लास्टिड, वो उसको देख लेते हैं जल्दी से। जो अगला कोशिका होगा जो भी नंबर हो उसका प्लास्टिड लवक उसको हिंदी। अब देखिए जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड मुख्यतः तीन प्रकार का होता है,
प्लास्टिड जो होता है इसकी जो उपस्थिति पाई जाती है वो मात्र मतलब केवल